क्वेश्चन दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी एरोमेटिक बाय नेचर। एंटी एरोमेटिक के केस में जो हम लोगों ने सीखा हुआ है कि एंटी एरोमेटिक में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन या 8 पाई इलेक्ट्रॉन या 12 पाई इलेक्ट्रॉन या 16 पाई इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में साइक्लिक कंपाउंड होगा और हर एक कार्बन क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, फिर आपको मिल जाएगा प्लानर, ठीक है, प्लानर ज्योमेट्री होना चाहिए। ये कंडीशन है एंटी एरोमेटिक के केस में। तो देखिए हम पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लेते हैं, और पाई इलेक्ट्रॉन हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं कहाँ से, कॉन्जुगेटेड सिस्टम से। इसमें अगर आप देखें ए ऑप्शन में जो कंपाउंड डला है, यहाँ पे आपका डबल सिंगल कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक कंपाउंड है, इसमें एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन या 1 पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, देन 2 पाई बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, एंटी एरोमेटिक की कंडीशन सेटिस्फाई की जा रही है, साइक्लिक कंपाउंड है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, हर एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि हर एक कार्बन यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एज रिजल्ट ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज है, और sp2 हाइब्रिडाइज है तो क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लानर बाई नेचर हो जाता है, ठीक है। तो क्या है आपका ये एंटी एरोमेटिक बाई नेचर होना चाहिए, ऑफ कोर्स होना चाहिए, ये जो आपका कंपाउंड फर्स्ट डला है एंटी एरोमेटिक बाई नेचर है, ठीक है। अच्छा बी में अगर आप देखें तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा पॉजिटिव चार्ज में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, तो इसको नहीं काउंट करेंगे, ये कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, डबल सिंगल पॉजिटिव, ये पूरा कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम दिया है, ठीक है। तो इसमें कौन सा करेक्टर आना चाहिए, एरोमेटिक करेक्टर आ जाएगा, क्योंकि क्या सीखा हुआ है हम लोगों ने कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए या 6 पाई इलेक्ट्रॉन या 10 पाई इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, और साइक्लिक कंपाउंड है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, तो वो होता है एरोमेटिक करेक्टर। अच्छा सी वाले में देख लेते हैं, यहाँ पर अगर आप देखें तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक कंपाउंड है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई बॉन्ड है, और हर एक पाई बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तब देखें यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो आपका सी कंपाउंड है एंटी एरोमेटिक करेक्टर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक कंप्लीट कॉन्जुगेशन, sp2 हाइब्रिडाइज, प्लानर हो गया, बट यहाँ प्लानर, बट एक चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि जो आपके साइक्लिक कंपाउंड हैं, ठीक है, जो साइक्लिक कंपाउंड है जिनके पास 7 कार्बन से अगर ज़्यादा कार्बन हैं, 7 कार्बन से अगर ज़्यादा कार्बन आ जाते हैं, तो अगर वो एंटी एरोमेटिक करेक्टर शो करते हैं, तो एंटी एरोमेटिक करेक्टर ना शो करके, एंटी एरोमेटिक करेक्टर ना शो करके वो नॉन एरोमेटिक करेक्टर शो करते हैं, ये हमेशा दिमाग में रखें। तो जो सी कंपाउंड डला हुआ है तो लग तो रहा है कि आपका एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बट हमेशा ये कंडीशन दिमाग में रखेंगे कि अगर 7 कार्बन से ज़्यादा साइक्लिक कंपाउंड में कार्बन आ जाए और वो अगर एंटी एरोमेटिक करेक्टर शो करेगा, तो एंटी एरोमेटिक करेक्टर ना शो करके कौन सा करेक्टर शो करेगा, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। होता क्या है कि इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा कुछ इस फॉर्म में रहता है, ये स्ट्रक्चर कुछ इस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। इसमें कितने कार्बन हो गए, 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड कुछ ऐसे आ रहा है, ये डबल बॉन्डेड सिस्टम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके आर्बिटल हैं, ठीक है, यहाँ पर ओवरलैपिंग होते हैं, बट यहाँ पे जो आर्बिटल रखे होते हैं, इन आर्बिटल का इस आर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग नहीं हो पाता है, इस वजह से यहाँ पर आपका क्या होता है, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं माना जाता है। जब कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये नॉन प्लानर हो जाएगा, और नॉन प्लानर शेप में क्या होता है, रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पर हाँ एरोमेटिक करेक्टर, हमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन चाहिए, अगर कंप्लीट कॉन्जुगेशन होगा तभी वहाँ पर रेजोनेंस होता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है, ये आपका नॉन प्लानर हो जाता है, और नॉन प्लानर होने की वजह से ये नॉन एरोमेटिक करेक्टर शो करता है। तो ए और सी में इनका तो कोई कंपेरिजन, अच्छा डी में देख लेते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखें कॉन्जुगेटेड सिस्टम है क्या, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे कॉन्जुगेट डबल सिंगल देन सिंगल, डबल सिंगल देन सिंगल कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है, तो इसमें हम बोलेंगे कि ये आपका कंपाउंड नॉन एरोमेटिक बाय नेचर है, ठीक है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम आपका नॉन एरोमेटिक में
नहीं होता है, ठीक है। और साइक्लाइजेशन भी पॉसिबल नहीं, ओपन चेन भी अगर दिया हुआ है तो वो भी आपका नॉन एरोमेटिक में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सोचना है, ए एंड सी में केवल हमारे पास में ए ही ऑप्शन है जो आपका नॉन एरोमेटिक नेचर है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर।